दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठ जाइए और बाकी सब यहाँ। नायरा, ये कार्तिक का है? हमें तो लगा था इन सारी रस्मों में हम सबके साथ होगा। हाँ? डबल रिश्ते वही तो कहता रहता था। कहाँ है अब वो? अब वो नहीं आ पाएगा दी, वहाँ भी बहुत काम है ना, इसलिए। अरे लेकिन वो कुछ स्पेशल करने वाला था ना, वो कौन करेगा? वैसे वो स्पेशल चीज क्या है हमें भी बता दो यार। हाँ बेटा, हाँ? बताओ। I love you, कीटी भाभी। ये तो हमारे ध्यान में नहीं आया बिल्कुल कि अब अगर हमारी नायरा बिटिया चाहे तो वो कीर्ति को कीर्ति दी की जगह कीर्ति भाभी बुला सकती है। I love you, जीजू। जीजू नहीं, देख तू कीर्ति जी को जो चाहे बुला सकती, लेकिन मैं भैया ही ठीक हूँ, प्लीज। क्या चाहोगे ना, क्यूट सांग करते चीकू जीजू। अरे नहीं नहीं प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्लीज। अरे अच्छा लगे ना लगे, अब सच तो यही है ना, आप मेरे और कार्तिक के जीजू हैं। अरे हमारे लिए तो सोचिए, अब आपकी शादी के बाद आपको मैं भैया और उनको दीदी तो नहीं बुला सकती है। इसका तोड़ है वैसे मेरे पास। कार्तिक ने आइडिया दिया था। क्या? जब मैं यहाँ रहूंगी तो आप दोनों को भैया और भाभी बुलाऊंगी, और जब वहाँ रहूंगी तो दीदी और जीजू बुलाऊंगी। बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत अच्छा तोड़ा ही है। और जो कभी दोनों फैमिली साथ हुई तो क्या बुलाओगी? अब बता। अरे हाँ नायरा, तो दोनों नाम मिक्स मत कर देना, मुझे भाई जो इन्हें दीभा मत बोलना। देखिए आइडिया मत दीजिए वरना पुराने लग जाऊंगी। दोहरे रिश्ते निभाने हैं कार्तिक, आधे विश्वास से काम नहीं चलेगा। मैं अपने हिस्से की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारे हिस्से की कोशिश तो तुम्हें ही करनी है ना। नए रिश्ते को स्वीकार कर उन्हें निभाने की कोशिश। अरे चल चल इब रस्म शुरू कर छोरी। जी बेटा, यहाँ तो एक बार रस्में शुरू हो जाएंगी ना तो चलती ही रहेंगी, इसलिए बेटा तू एक बार अपने मायके में बात कर ले। क्या है ना, वो लोग उदास हो रहे होंगे तुम्हारे बिना। यश बेटा वो लगा के देना, वो क्या कहते हैं वो कैमरे वाला फोन। जी क्या पता कार्तिक भी दिख जाए, लेकिन अगर उसका मूड अभी भी खराब हुआ और उसने कुछ बोल दिया तो। इसका फोन, वो भी वीडियो कॉल। जल्दी लो, पता नहीं क्यों फोन किया है। राधे कृष्ण। नमस्ते। नमस्ते जी। इस वक्त कैसे याद किया आपने हमें? वो हमने सोचा सुहासिनी जी ये आप लोगों को कीर्ति की याद आ रही होगी तो बात करवा दे। हम भी बेटी वाले हैं सुहासिनी जी, बेटी वालों के मन को अच्छी तरह से समझते हैं। थैंक यू सो मच माँ जी। कार्तिक कहाँ है? बेटा वो बहुत थक गया था इसलिए अपने रूम में आराम कर रहा है। वो ठीक तो है ना? थोड़ा सा उदास है बेटा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सुहासिनी जी हम अंगूठी की रस्म करने जा रहे थे, आप लोग देखना चाहेंगे? हाँ हाँ व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहेंगे।
से बेटा ध्यान उठा रखो, अच्छे से हाथ धुआंगे उसमें। कीर्ति कितनी खुश लग रही है ना। कंग्रेचुलेशंस बेटा, वाह तुम तो जीत गए। अंकल ये मैं जीतने का क्या फायदा, किसी का दिल जीत सकूं तो बात है ना। और वैसे भी शादी के बाद क्या विनर और क्या लूजर, सब अपनी बीवी की सुनते हैं। अब देख लीजिए क्या दादाजी, क्या पापा, क्या कार्तिक, वैसे आप भी। शादी हुए अभी 2 ही घंटे हुए हैं और आपकी शिकायतें शुरू। वेरी बैड। वैसे मेरी सलाह मानो तो हमेशा खुश रहोगे। जो हस्बैंड अपनी वाइफ का हमेशा कहना मानते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं और उन्हें भी खुश रखते हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है वो। ये वाली गेम तो भाई जीत गए, पर अब भाभी को कैसे जिताया जाए? ऐसी कौन सी गेम खेले हम जिसमें भाभी भाई को हरा दे? देख नायरा, तू चाहे कोई भी गेम खिलवा दे लेकिन मैं तो खुद ब खुद हार जाऊंगा। मुझे मिस नहीं कर रहे क्या? मिस तो बहुत कर रहे हैं बेटा, और दुखी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम वहाँ बहुत सुखी हो, और जितनी खुश तुम अभी लग रही हो, भगवान करे इससे हर दिन तुम्हें ज़्यादा खुशियाँ मिलती रहे। ऐसा ही होगा भाभी। कार्तिक, हमारे साथ आके बैठो। नहीं दादी, सर दुख रहा है मेरा, आराम करने जा रहा हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।